सो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना फेसबुक स्टोरी लगा दिया हूँ, और वो भी गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि म्यूजिक के साथ लगाया हूँ, देख सकते हैं प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसे गाइज मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, इसके ऊपर टैप करके रखना है, ठीक है। जैसे ही टैप करके आप फिंगर रखेंगे तो यहाँ पे गाइज आपको जो है एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग। सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड के डाउनलोड वीडियो लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं मेरा डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं। और इसको मैं, चलिए मैं फाइल मैनेजर के अंदर चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो है गैलरी में यहाँ पर वीडियो आया है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज मेरा जो वीडियो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं वो भी गाइज म्यूजिक के साथ। सो हे गाइज, तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गाइज आप लोग फेसबुक पे अपना स्टोरी या फिर आप लोग अपने फ्रेंड का स्टोरी डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो भी गाइज बिना किसी एप्लीकेशन का, ओनली वन क्लिक में। तो कैसे कर सकते हैं इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो गाइज काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो गाइज आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और गाइज हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि गाइज मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। और हाँ गाइज, आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको यहाँ स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सो गाइज आपको अपना फेसबुक स्टोरी या फिर आपको अपने फ्रेंड्स का फेसबुक स्टोरी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउजर को जो है ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है फेसबुक, ओके फेसबुक आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर मैं फेसबुक सर्च कर लिया हूँ, उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, टॉप के साइड में यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है m.facebook.com। तो यहाँ पर गाइज आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस हम लोग को देखने को मिलेगा। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है अपना फेसबुक आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे आईडी जो है मोबाइल नंबर से, तो ऊपर की साइड में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद गाइज यहाँ नीचे की साइड में आपको पासवर्ड डाल लेना है अपने फेसबुक अकाउंट का। उसके बाद गाइज आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे गाइज मैं अपना जो है फेसबुक अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस लोडिंग लेकर आएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, आपको अपना फेसबुक स्टोरी डाउनलोड करने के लिए सिंपली से आपको जो है पहले अपना फेसबुक स्टोरी पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना फेसबुक स्टोरी यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे फेसबुक स्टोरी लगाया हूँ, ठीक है, इसमें म्यूजिक भी लगाया हूँ, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से ऊपर के साइड में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना फिंगर जो है टैप करके रखना है, ठीक है। टैप करके जैसे रखेंगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है डाउनलोड वीडियो, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ऊपर के साइड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है फाइल डाउनलोडेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा फ़ोन के अंदर जो है स्टोरी डाउनलोड हुआ है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना फाइल्स ओपन कर लेता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो के सेक्शन में मेरा जो है स्टोरी है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सिंपली इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स का जो है स्टोरी डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे जो है यहाँ पे फेसबुक स्टोरी को लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसी एक का डाउनलोड करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारा स्टोरी लगा हुआ है। तो चलिए मैं किसी एक का डाउनलोड करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे को ये वाला डाउनलोड करना है, तो सिंपली से यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सिंपली आपको ऊपर के साइड में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर टैप करना है अपना फिंगर। यहाँ पर जैसे टैप करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर टैप करना है, प्ले करके उसके बाद टैप करना है, ठीक है। एक बार आपको प्ले करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टैप करना है। टैप करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन आ चुका है, सिंपली आपको डाउनलोड कर वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो मेरे में डाउनलोड हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं डाउनलोड कर लिया मैं, यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, विथ म्यूजिक आपका डाउनलोड होगा, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो मेरा आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर हमारा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि गाइज मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं गाइज एक और नए कमाल के वीडियो के साथ, तब तक लिए टाटा बाय बाय।